द कंप्यूटर? यस, सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. जैसे कि फोर्थ सेंटेंस में दिया आई एम वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. हॉर्सेस क्या है? हॉर्सेस गैलोप. हॉर्सेस दो वर्ड का ही है लेकिन इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है. हॉर्सेस क्या है? आपका सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट इज गैलोप. अ सब्जेक्ट, अब यहाँ पे डेफिनेशन बहुत ही क्लियरली अच्छे से दिया गया. अ सब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन. यानी नाउन या प्रोनाउन होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा. इट मे बी जस्ट वन वर्ड, एक वर्ड हो सकता है, मोर देन वन वर्ड, और एक वर्ड से भी ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है. आपका नेक्स्ट क्या है? द प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट एक्शन. जो कुछ भी हमारा सब्जेक्ट करता है वो हमारा प्रेडिकेट बन जाता है. इट मे ऑल्सो बी वन वर्ड गैलोप और मोर देन वन वर्ड्स, जैसे कि आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. ये आपका हो गया, ठीक है. फिर उसके बाद आप एक चीज़ और नोट कर लिए बच्चों कि सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं. सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं और इसको हिंदी में समझ सकते हैं कि जो कुछ भी कर्ता करता है. यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैन बी अ थिंग और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट अ सब्जेक्ट डज. यानी कर्ता जो कुछ भी काम करता है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा. आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय वंस अगेन.